हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में यूपी डी एल एड की बीटीसी एडमिशन 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो आज समाप्त हो रही है और आज आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रही है। हज़ारों स्टूडेंट्स लगातार परेशान हैं, सर्विस अनअवेलेबल बता रहा है, आज लास्ट डेट है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। जब भी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होती है तो यही प्रॉब्लम्स आती हैं, वेबसाइट जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी मिल सके कि अभी केवल 50,000 फॉर्म ही यहाँ पर फिल हुए हैं। 25 दिन में केवल 50,000 फॉर्म फिल हो पाएँ और सीटों की संख्या 2,33,000 के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, सीटों की संख्या 2,33,000 के आसपास है, तो गवर्नमेंट इतनी कम सीटों पर आखिर करेगी क्या? केवल 50,000 स्टूडेंट्स ही यहाँ पर एडमिशन के लिए आवेदन किए हैं। इनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एडमिशन लेंगे ही नहीं, केवल फॉर्म फिल करते हैं, और इनमें से लगभग 10 से 11 हज़ार सीटें जो है वो डायरेक्ट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाएंगे। लगभग 40,000 स्टूडेंट्स जो बच्चे वही केवल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन करेंगे। तो ऐसे में प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन है वो बहुत ही कम हो पाएंगे और प्राइवेट कॉलेज बंद होने के कगार पर आ ही चुके हैं पहले से। इस वजह से जो PNP है वो एक बार फिर से आपकी जो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, कम से कम एक बार तो आपकी फॉर्म फिल करने की डेट एक्सटेंड होती ही है, ऐसा हर बार होता है, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही इसका जो नोटिस है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से जैसे ही लास्ट डेट एक्सटेंड करने का यानी कि लास्ट डेट को आगे बढ़ाने के संबंध में नोटिस आएगा, आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो जल्द ही PNP की तरफ से बढ़ा दी जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वैसे तो आपको पहले ही फॉर्म फिल कर लेना चाहिए था, लास्ट डेट के इंतजार में बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए था। अब आप लोग बिल्कुल डरा गए होंगे, यानी कि बिल्कुल डर गए होंगे आप, तो आप जैसे ही लास्ट डेट एक्सटेंड हो वेबसाइट ठीक से चलना स्टार्ट करें, आप बिल्कुल सबसे पहले अपने फॉर्म फिल कर लीजिए, नहीं तो बाद में फिर आप लास्ट डेट के इंतजार में बैठे रहेंगे, ठीक है, तो फिर से आपके सामने यही प्रॉब्लम आएगी। लास्ट डेट में यही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए आप लास्ट डेट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें और लगातार वेबसाइट को चेक करते रहें और जैसे ही वेबसाइट चलना स्टार्ट हो तुरंत अपना फॉर्म फिल कर दें। अगर लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाता है तो आपको पता ही है, हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।